विधान अदालत रीत से मैं हूँ राजा भैया पाल और मैं इस समय ग्वालियर में हूँ, जहाँ हमारे बीच में ग्वालियर की तीन मातृशक्तियाँ हैं। इनसे बात करेंगे कि समाज में जिस तरीके से लोकमाता अहिल्याबाई होलकर को पूरा हिंदुस्तान मानता है कि वो हमारी आराध्य हैं, क्या आपके घर में बैठी लोकमाता अहिल्याबाई होलकर को आप सम्मान दे पा रहे हैं? ये बड़ा सवाल है। और सुषमा जी हमारे साथ जुड़ेंगी ग्वालियर से, आपकी जान लेंगे, आपका स्वागत है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। किस तरीके से देखते हैं लोकमाता अहिल्याबाई होलकर घर में बैठी है और लोग मंचों पर उनकी पूजा कर रहे हैं? ये हमारे समाज की एक बहुत बड़ी विडम्बना हो चुकी है कि मातृशक्ति देवी अहिल्याबाई होलकर के को मानते सब हैं, लेकिन हमारा समाज पिछड़ा इसलिए हो जाता है कि पीछे से जो अपनी बहन बेटियां हैं, मातृशक्ति हैं, अपनी घर की महिलाएं हैं, उनको आगे लेके नहीं आ पा रहा, जिस कारण से हमारे समाज, क्योंकि नारी शक्ति एक ऐसी शक्ति है जो एक परिवार को नहीं, दो परिवारों को चलाती है। और मैं समझती हूँ जब वो खुल के हमारे समाज में नहीं आएगी, इनकी विचारधाराओं को नहीं समझेगी, इनकी बातों को नहीं समझेगी, तब तक मैं नहीं समझ सकती कि समाज का कोई आगे का भविष्य कुछ निश्चित हो सकता है। क्योंकि इसका ये मेन यही कारण है, जैसे मैं हूँ, मुझे याद है कि मेरे फादर स्वर्गीय श्री लाल सिंह बघेल, मैं भिंडकी हूँ, करके पुरा की हूँ, उन्होंने मुझे बचपन से सिखाया और मैं बचपन से आ रही हैं। बहन जी इसकी साक्षात हैं कि मैं बहुत छोटे से बचपन से, आज वो तो नहीं है लेकिन उनके नाम से मुझे जाना जाता है इस समाज में, इस ग्वालियर में, पूरे एरिया में मुझे उनकी बेटी मान के ना कहते, बेटी नहीं है बेटा है, तो मैं उन्हीं का आगे बढ़ा रही हूँ। जितना मेरे से बन पड़ता है कि मैं समाज की महिलाओं को लेके आऊँ, सबको बताऊँ कि समाज में जब तक हम आगे एक कदम नहीं बढ़ाएंगे तब तक समाज का कोई भविष्य नहीं निश्चित है। आपके पिता ने आपको ऐसे संस्कार दिए कि आज आप आपकी जनता न्यूज पर इंटरव्यू दे रही हैं, लेकिन आजकल के माता पिता तो अपनी बेटियों को घर से निकलने नहीं दे रहे हैं, तो कैसे समाज आगे बढ़े? ये गलत सोच है, क्योंकि मेरे हम तीन बहनें थी, बड़ी बहन मेरी आज MA LLB पुष्पा सिंह बघेल, जो बड़े अपने ADJ हैं जबलपुर में, मैं सेकेंड हूँ, मैं बैंक में जॉब करती हूँ, छोटी वाली मेरी एक्साइज डिपार्टमेंट में और उनके मिस्टर नार्कोटेक्स डिपार्टमेंट है, भाई नहीं है, लेकिन फिर भी हमने पूरी विश्वास से उनका विश्वास जीता है, उन्होंने हम पे विश्वास जो दर्शाया था, हमने उस विश्वास को पे खड़े उतरे हैं और आज हम अपनी अपनी जगह पे सब उनका नाम आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। सुषमा जी आपकी जाना दला नीच पर है। मैं निर्मला पाल वर्तमान बघेल छात्रावास की 20 साल से यहाँ मैंने स्कूल चलाया, मेरी एजुकेशन MA BEd रही, वाकई में अहिल्याबाई एक आदर्श महिलाएं थी, माँ थी, आराध्य थी, हम तो उनका नमन बहुत सत नमन करते हैं ऐसी देवी का, और मैं तो उन्हें बहुत मानती हूँ। मैंने देखा कि जब तक नारी शक्ति अहिल्याबाई की तरह अपने एक जागरण नहीं करेगी, क्योंकि आध्यात्मिक बहुत बड़ी शक्ति है, अहिल्या देवी एक बहुत साक्षात देवी थी, उनके साथ ईश्वरी कृपा थी, वो शंकर की उपासक थी, वाकई में ही उनकी वो शक्तियाँ उनके साथ रही, उन जैसा आदर्श उनने परिवार में और समाज में कोई अंतर नहीं समझा, उनने अपने बच्चे पराए बच्चे में भी कोई अंतर नहीं समझा, और उनके मार्गदर्शन पे ही समझ के मैं गायत्री परिवार के होने के नाते, मेरे भाई उस ज़माने में हमारे माँ बाप ने इतना पढ़ाया, MA BEd कराया, KV की नौकरी छोड़ी मैंने समाज सेवा के पीछे, क्योंकि मेरे बच्चे दोनों कॉन्वेंट स्कूलों में पढ़ रहे थे, मैंने देखा बच्चे पीछे जा रहे हैं, मैं वहाँ स्कूल चला रही सेंटर मुरैना जाती थी, KV पढ़ाती थी, फिर घर का जो देखा वातावरण, स्कूल छोड़ के मैंने बच्चों पर ध्यान दिया, और मैं तो कहूँगी यहाँ की जो देवियाँ हैं उनकी शक्ति, मैं तो उनके ही सहारे गायत्री की उपासक रही, उसी सहारे आ गई, मैंने निस्वार्थ भाव से जहाँ गरीब बच्चों को पढ़ाया, कोई मानदेय नहीं मिलता था मुझे, उनकी बस सेवा ही मैंने अपने जीवन का उद्देश्य बनाया, और वास्तविक मेरे बच्चे, मैं तो घर बंद करके आती थी, दोनों बच्चे टॉपर निकले डॉक्टरी में, बड़ा हड्डी कैंसर, अभी बिरला में हड्डी कैंसर मध्य प्रदेश का पहला डॉक्टर है, बहू आई स्पेशलिस्ट है, छोटा लड़का जोधपुर एम्स में है, वो लड़की भी एम्स की ही है जो शादी होना है वर्तमान में, तो मैंने तो देखा अगर सेवा निस्वार्थ भाव से की जाए, ईश्वर को अहिल्याबाई जैसी शक्तियों को साक्षी मान के, तो वो तुम्हें सफल बनाता है। पर आज मैं 20 साल से यहाँ,
हर पूर्णमासी को जाप कराना गायत्री का, अपने समाज के लोगों को जोड़ना, समाज की महिलाओं को इकट्ठा करना, इसीलिए कि आज गायत्री माने सद्बुद्धि की जरूरत, सद्बुद्धि माने सूर्य की उपासना। सूर्य इतनी बड़ी शक्ति है कि उसके बराबर तो कोई देवता है ही नहीं है, बिना सूर्य के अपना। तो मैं बार बार उनसे समाज का आदर, समाज का यही मार्गदर्शन, उन महिलाओं को गायत्री मंत्र सिखाना, बच्चों को गायत्री मंत्र बुलवाना, उसका मेन उद्देश्य यही है सद्बुद्धि। आज अपने पास बुद्धि नहीं है तो अपन कुछ भी नहीं सकते। शिक्षा मेन वो चाबी है, उससे सारे दरवाजे खोले जा सकते हैं। बड़ा सवाल आपसे करना चाहेंगे, आपने बच्चों को डॉक्टर बनाया, अच्छे मुकाम पर पहुंचाया, आपने 20 साल तपस्या की बच्चों को पढ़ाने के लिए, क्या वो बच्चे आपको उतना ही सम्मान देते हैं जितना हर बेटे देते हैं? मेरे बच्चे उतना ही सम्मान है। आपको प्यार करते हैं, आपके साथ रहते हैं? साथ में ही रह रहा है, मेरे साथ ही रहता है बहू बेटे दोनों। मैंने देखा है कि जब बच्चे मुकाम पर पहुंच जाते हैं तो माता पिता उनके कहीं ना कहीं, ये गायत्री माता की कृपा है, मेरा बच्चा मुझे बच्चा ही दोनों ही। हाँ, मैं ये इस शब्द पे ये कहना है कि संस्कार अपने दिए हुए होते हैं, संस्कार जैसे हमने अपने माता पिता से सीखा, जैसी उन्होंने हमें शिक्षा दी, वैसे हम अपने बच्चों में उतारना चाहते हैं, क्योंकि आगे जो आने वाली ये नहीं कह पाएंगे, अपने माता पिता के ये संस्कार हम उस बच्चे में देना चाह रहे हैं, अपने जो बच्चे हैं। जैसे आपको तो मालूम ही है, आपकी मेरी बात भी हुई कि मेरा बच्चा भी 10th क्लास में इस समय टॉपर किया उसने स्कूल में, और आज एक ही बेटा है मेरे, लेकिन मैं उसको एक ही चीज़ सिखाती हूँ कि बेटा कभी गलत रास्ते पे नहीं जाना, और जितना हो समाज का भला करना, क्योंकि निस्वार्थ भावना से जो सेवा करते हैं हम लोग उसका फल हमें ईश्वर देता है। निस्वार्थ भावना से यदि हम किसी का अच्छा करेंगे तो हमारे साथ वो लौट के आता, जैसा देंगे वैसा पाएंगे, जैसा बीज बोएंगे वैसा आगे। नहीं बेटा, यही मैंने देखा, 3 साल का था मेरा छोटा बेटा, मैंने गायत्री मंत्र उससे ही सीखा, उसे गायत्री मंदिर मैंने नर्सरी में पढ़ने डाला। जब वो खाना खाने बैठता मैं ऐसे कहता, मम्मी 5 बार गायत्री मंदिर बोलो, मैडम बोलती हैं कैसे खाना पवित्र होता है। उस बच्चे से ही मैंने वो गायत्री मंत्र सीख के, आज के देश में पूरा देश सुन रहा है इस समय, बहुत से बच्चों को पढ़ाया जाता है, लिखाया जाता है, बच्चे अमेरिका चले जाते हैं, ब्लैक चले जाते हैं, लेकिन अपने माँ बाप की तरफ मुड़ के नहीं देखते हैं, क्योंकि चकाचौंध में खो जाते हैं। नहीं, उसकी विटमना यही है, संस्कारों की कमी, वो गलती हमसे ही हो गई, बाल्यकाल में बच्चों को ऐसे संस्कार नहीं दे पाए, क्योंकि हमने तो अपने बच्चों को 3 साल से उन्हें स्कूल में पढ़ाया, 10th में आए गायत्री मंत्र की दीक्षा दिखा दी, जैसे उपासना हम करते थे, एक माला करो डेली, 40 का पाठ करो डेली, वो उनकी आदत में आ गया, उस चीज़ में बार बार उन स्थानों पर जाना जहाँ हम जा रहे हैं, शांति कुंज जा रहे हैं, वो आवलखेड़ा जा रहे हैं, तपोभूमि जा रहे हैं, वो यज्ञ करना, वो धोती पहन के, वो सब संस्कारों से वो जुड़े रहे। तो आज तो कहीं ना कहीं गायत्री के संस्कार दिए। सुषमा जी, एक बड़ा सवाल आपसे करना चाहेंगे, आज के मॉडल ज़माने में जिस तरीके से आप देखती हैं कॉलेज लाइफ में जब हमारे बच्चे जाते हैं तो इस तरीके के जो कपड़े पहनते हैं, जो आप सोशल मीडिया पर भी वायरल होते हैं, वो पिक्चर दिखाने की कोशिश करते हैं, कहीं ना कहीं बॉलीवुड हीरो बनने की कोशिश करते हैं, आपको नहीं लगता कहीं ना कहीं हमारा भारत इससे संस्कार उनके ख़त्म होते जा रहे हैं? नहीं देखिए, हाँ इसमें ये बात सही है कि अपने संस्कारों को रखना चाहिए, चाहे बेटा हो या बेटी, क्योंकि ये जो अपने वस्त्र हैं उसका बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है, क्योंकि हम उस समाज से बिलोंग करते हैं जहां हमें आचरण और शिक्षा अच्छी दी जाती है। क्या क्या कुछ परिस्थितियां ऐसी हो जाती है कि जब बच्चे बाहर की माहौल में देखते हैं, तो ये हमें घर से सिखाना चाहिए बच्चों को, चाहे बेटा हो या बेटी, उसको घर से सिखाना चाहिए कि बेटा आप बाहर जाएंगे, बाहर जब दहलीज पार करेंगे तो आपको हर तरह का व्यक्ति मिलेगा, लेकिन आपको खुद को अपने दिमाग से सोचना है कि हमारे लिए ये रास्ता अच्छा है या ये रास्ता। तो ये बात बच्चों को खुद सोचना चाहिए, और मैं तो ये कहती हूँ कि संस्कार सबसे बड़ी बात है, ये समझाए शुरू से देना चाहिए। और मैं अपने बेटे के साथ अपना दोस्त का व्यवहार करती हूँ हमेशा, मेरा बच्चा मुझे घर पे पूछता है सब, आज आया नहीं है लेकिन मैं लेके आती, कभी कभी तो वो आता है तो यही कहता है कि मम्मी आपने समाज में क्या देखा। हमारे बीच में और भी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम कौशल्या बघेल है, मैं एक शिक्षिका हूँ। 2006 से जब मेरी सर्विस लगी, मैं लेकिन राजनीति से नहीं जुड़ी हूँ, जब मैं 2011 में यहाँ ग्वालियर आई ट्रांसफ़र होकर, तो मेरा सुषमा बघेल जी के साथ कभी कभी अपनी राजनीतिक पार्टियों में आना हुआ, तो मेरा एक ही यहाँ राजनीतिक पार्टियों में आने पे एक ही सोच उत्पन्न होती कि यहाँ पुरुष वर्ग तो ज़्यादा है आता है लेकिन महिला वर्ग नहीं आती, क्या मैं ये चाहती हूँ कि यहाँ मातृशक्ति इकट्ठी हो,
जो ये लेके इतनी महिला बुलाओ, लेकिन यहाँ इतना पुरुष वर्ग है, इनके घर में जो महिलाएं हैं उनको भी बाहर आना चाहिए, आगे आना चाहिए। उनसे बहुत फर्क पड़ता है आगे राजनीति के लिए, क्योंकि वोट तो वो भी डालती हैं। तो इसलिए उनको शिक्षित करो, उनको बाहर निकालो, तभी हमारा ये समाज आगे बढ़ेगा। और हमारे यहाँ जो सबसे बड़ी विडम्बना है कि पर्दा प्रथा अभी तक ख़त्म नहीं हो रही है, आदर समाज में ख़त्म हो गई है। बराबर महिलाएं शिक्षित कर रहे हैं, लड़कियां शिक्षित कर रहे हैं, बराबरी से चला रहे, लेकिन नहीं, शिक्षित होने के बाद भी शादी के बाद वो लड़की जाके पर्दे में रह रही है। तो आप बाहर भी निकालो तो पर्दा कर रही, क्यों भाई? उसकी योग्यता का उपयोग कीजिए ना आप, और अपने संस्कार अच्छे दिए तो हर महिला हो यानी लड़की हो लड़का, सभी आगे बढ़ेंगे। बस यही कहेंगे कि है ना, अपने समाज में ये सबसे बड़ी विडम्बना कि पर्दा प्रथा हटना चाहिए और मातृशक्ति को भी बाहर लाना चाहिए। आपको लगता है कि समाज अनुमति देगा? नहीं, इसके लिए हम युवा पीढ़ी को बहुत संघर्ष करना पड़ेगा, जागरूकता लानी पड़ेगी, अपने घर से ही शुरुआत करनी पड़ेगी। आपके आपके पिताजी ने भेजा था यहाँ पर कि आप जाएं इस मीटिंग में अटेंड? बिल्कुल, हमें छूट मिली तभी तो आज हमें इस मुकाम पे खड़े हैं। हमारे ससुराल में हमें पर्दा प्रथा से हम मुक्त हैं, हमें कोई वो नहीं है। लेकिन इसलिए मैं चाहती हूँ अदर लोग भी, अदर महिला भी, कुछ जो पढ़े लिखे समाज भी है वो भी पर्दा करवाते हैं, उस पर्दा प्रथा से मुक्त होना चाहिए। पर्दा प्रथा मुक्त होना चाहिए। आज ग्वालियर की मातृशक्तियों से हमारी चर्चा हुई। इस इंटरव्यू को लेकर आपका क्या कहना है? जुड़े रहिए हमारे साथ। नमस्कार।